हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको अभी तुरंत का रेलवे में जो अपडेट आया है वो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि ALP एंड टेक्नीशियन की आंसर की आ गई है। और अभी तुरंत ये आंसर की आई है और इसे चेक करने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि आंसर की में क्या किसका कितना नंबर है, कितना सही है क्वेश्चन और किस तरह से ये चेक करेंगे। तो चलिए पहले मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ और यहाँ पर वेबसाइट में डाल देता हूँ जो कि रेलवे का वेबसाइट है। मैं ये वेबसाइट ऊपर डाल दिया हूँ और यहाँ पर इसे सर्च करता हूँ। अब जैसे ही सर्च करने के बाद ये खुल कर आया है और ये देखिए 13/9/2018 आज 13 तारीख है और ये अभी कुछ देर पहले का ही अपडेट हुआ है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर द कैंडिडेट अपियर्ड इन फर्स्ट स्टेज CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ALP एंड टेक्नीशियंस अंडर CN01/2018 टू रेज ऑब्जेक्शन ऑन द क्वेश्चन और ऑप्शंस। दिस शैल बी लाइव फॉर 5 डेज फॉर 14th to 18th September। मतलब कि इसमें यह है कि आंसर की आ गया है और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन भरना है, ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरना है, जैसे क्वेश्चन गलत होने पर या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो उसके लिए अगर ऑब्जेक्शन करना है तो आप इस ऑब्जेक्शन फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 दिन की रहेगी, जो कि 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में रहेगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर खोलते हैं इसे और देखते हैं कि क्या आंसर की में आया है। तो इस पर क्लिक करते हैं हम और क्लिक करने के बाद देखिए अगला पेज खुला है। और यहाँ पर देखिए क्लिक करने से पहले जो है ये देखिए 14/9/2018 से और 18/9/2018 तक दिखा रहा है, जो कि कल 14/9 हो जा रहा है, कल 14 तारीख हो जा रहा है और 9 बजे से कल ये लाइव हो जाएगा। आपको यहाँ पर आंसर की शो करने लगेगा और आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हैं इस बीच में। और इसके बाद आंसर की देखने से पहले या और ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने से पहले आप ये डिटेल ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये डिटेल पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना है। तो इस डिटेल में यही लिखा हुआ है कि आपको आपकी जो यूजर आईडी और पासवर्ड दी गई है, जो कि रेलवे का फॉर्म भरते समय मिला था, उसे आप देख लें अच्छे से, उसे डालकर फिर आंसर मिलाएं। और जिस कोड का जो आंसर होगा, जो कि जिस क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी जो होगा, उस हिसाब से जो क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर जो क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था या फिर जो क्वेश्चन गलत था, उसका आप क्वेश्चन आईडी नोट कर लें। और एक चीज़ इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जो भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आपको करना है उसका आप इंग्लिश में ही उस ऑब्जेक्शन फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर आप भरेंगे तो वो आपका वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही सब इस नोटिस में लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर इसे पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो भी है। और इसके बाद देखिए दिया हुआ है आंसर आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल आंसर की, आंसर में चेंज इन द आंसर की फाइनली आज आफ्टर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट इवेल्यूएशन विल बी डन ऑन फाइनल आंसर की। फिर इसके बाद आंसर की के बाद जो ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद फिर से एक आंसर की आएगा जो कि फाइनल आंसर की कहलाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पर लॉग इन टू रेज ऑब्जेक्शन पर ट्राई करते हैं एक बार कि यहाँ से खुलता है कि नहीं कुछ। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिख रहा है कि द लॉग इन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन ओनली बिटवीन 14/9/2018 के 9 बजे से 18/9/2018 के 11:55 तक ये सिर्फ अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पर। तो इसलिए आप जो भी करेंगे तो इस बीच के इस डेट के बीच में आप जल्द से जल्द कर देंगे ताकि आपको भी ये परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये सूचना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ताकि और इसमें जो भी पढ़ाई की जो बात बताई जा रही है, स्टडी जो प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।